इमेजिन करो, आप अपने ड्रीम को पाने के लिए 2 साल लगाते हो एंड स्टिल आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो। एंड वो 2 सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं था वो दिन आपने वो ड्रीम के बारे में सोचे नहीं, वो ड्रीम को पाने के लिए मेहनत नहीं की, वो ड्रीम को पाने के लिए एफर्ट्स पुट इन नहीं किए एंड स्टिल आप वो 2 साल ड्रास्टिकली हर बार फेल होते हो। इमेजिन करो आप अपने किसी फैमिली फंक्शन में हो जहाँ पे आपके सारे दूर दूर के रिश्तेदार आए एंड सब एक जगह गैदर हुए एंड वहाँ पे कोई आके आपको पूछ ले कि मार्क्स कितने आए या फिर क्या स्टेटस है तो लाइफ में क्या कर रहा। एक टिपिकल इंडियन फैमिली का होता है कि एग्ज़ाम के दिन किसी का कॉल आए या ना आए, बट यू नो रिज़ल्ट के दिन रिज़ल्ट पूछने के लिए आपको सभी के कॉल आएंगे। ये सब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया इसलिए आपको बता पा रहा एंड आई होप आप भी इससे रिलेट कर पाओगे। में मेरे मार्क्स अप्रॉक्स, मार्क्स नहीं बोलूँगा परसेंटाइल बोलूँगा, मेरी परसेंटाइल अप्रॉक्स 80, 85, 88 इसी के आसपास होती थी एंड शायद 2020 में उससे भी कम। मैंने कोशिश किया है कि मैं मेरी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करूँ कि मैंने कैसे 80 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल स्कोर किया एंड मुझे फर्मली लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है। एंड अगर आप कोई ऐसा एस्पिरेंट जिसने अपनी MBA जर्नी की प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट किया है एंड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड अगर आपको स्टिल कोई मेजर डाउट हो कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा बक्स फॉर टू एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप मुझे इंस्टा मैसेज कर सकते हो, यू नो आई विल प्रोवाइड यू ऑल द मटेरियल्स एंड द मैक्स पॉसिबल गाइडेंस आई कैन। ओके, सो मेरे गैट एग्ज़ाम के मार्क्स या परसेंटाइल डिस्कस करने से पहले मुझे एक हेल्प चाहिए। अब देखो, मैं जैसे कि मेरे चैनल पे, ये चैनल पे फिटनेस और MBA दोनों का कंटेंट डालने वाला हूँ, तो उसको हम कैसे प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, वीकली बोलो या फिर डे वाइज, वीकेंड, वीकडेज, कैसा भी। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। एंड अगर आप कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हो मेरे से जो कि हम प्रॉपर वे मैनेज कर सकते हैं MBA कंटेंट और फिटनेस से कनेक्टेड, तो प्लीज़ मेरे को इंस्टा मैसेज करो। आई विल यू नो मोर देन हैप्पी टू डिस्कस ऑल द आइडियाज यू गाइस गॉट। ओके, सो अब हम गैट के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट टू यू नो वेरी क्लियर एंड एकदम प्रॉपर विजन से मैं आपको बता पाऊँ, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए कि मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था, क्वेश्चंस किस टाइप में थे ताकि जो आगे फ्यूचर एस्पिरेंट है उनकी हेल्प हो सके, एंड मैंने कितने परसेंटाइल मैंने स्कोर किया है। ओके, सो गाइस मैंने तो 98.17 परसेंटाइल स्कोर किया है। एंड गाइस जो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उनका एक स्पेशल कोर्स है BDA, उसके लिए वो ये लोग एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो एग्ज़ाम जो कॉलेज है उसके 4 से 5 कोर्स है एंड सबसे बढ़िया प्लेसमेंट रिपोर्ट्स एंड सबसे अच्छा BDA का है, तो इसलिए थोड़ा यू नो थोड़ा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने में वो लोगों ने थोड़ा प्रोसीजर टफ किया है, तो इसके लिए वो एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जो है GAT। तो इसके ना स्पेसिफिकली गाइस 25% नेगेटिव मार्किंग थी, एग्ज़ाम टोटल 75 मिनट्स का था और आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। एंड उसमें जैसे कि कुछ टॉपिक्स थे जैसे कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर अलजेब्रा, हायर अलजेब्रा, कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ा बेसिक कोडिंग, तो ये सब मिला के इन्होंने GAT एग्ज़ाम सेट किया था। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरा परसेंटाइल 98.17 परसेंटाइल है एंड इट्स गुड, लाइक बिल्कुल बुरा नहीं है, सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड अब हम बात अगर करें कि कट ऑफ और सिलेक्शन एक्चुअल में कैसा होता है, तो इसके अंदर लाइक वो लोग GAT एग्ज़ाम का स्कोर, इंटरव्यू, पास्ट अकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस, आपका CAT, ZAT या फिर इवन CMAT का स्कोर भी देखेंगे।
ओके सो 98.17 डिसेंट परसेंटाइल है, डिसेंट नहीं टू बी ऑनेस्ट अच्छा परसेंटाइल है, मेरे को कोई स्कोर वाइज तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो गाइस मैंने इसके लिए आरडी शर्मा जो कि हम JEE IIT के टाइम करते थे, मैंने उसका पूरा फिर से लेवल वन लेवल टू पूरा फिर से सॉल्व किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने NCERT पहले किया था, बाद में आरडी शर्मा, बट यू नो अगर आप सिर्फ आरडी शर्मा अच्छे से कर लोगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। सो या दैट्स इट गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, एंड अगर दिल से पसंद आया तो किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर करना जो कि आगे MBA एग्ज़ाम्स एंड MBA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड उसको अगर कोई भी हेल्प करना तो प्लीज़ उससे मेरा चैनल मेरी इंस्टा आईडी शेयर करो, आई विल हेल्प हिम, ठीक है। एंड मैंने जैसे कि बताया था कि मुझे फिटनेस और MBA से कनेक्टेड दोनों का कंटेंट डालना है, एंड अगर आपके पास सीरियसली कोई आइडिया है तो प्लीज़ मेरे को बताओ, ठीक है। टिल देन गाइस कीप वर्किंग एंड वी आर ऑल गोना मेक इट।